जब भी आप इधर आएँ, यदि आपके पास टाइम कम है तो गाड़ी से उतरते ही सबसे पहले लाइन में लगे चाट की शॉप से। यहाँ पे चकाचक गाड़ी वाले ने काफी आगे उतारा हमको। जब कनक लता वगैरह पीछे 2 साल 1.5 साल पहले हम आए थे तो बहुत दूर उतारा, उतरते ही वो इधर आए थे पैदल पैदल। लेकिन दर्शन करने के बाद कन्या उत्साहित हो गई थी कनक लता, बहुत शानदार रहा था। फिर ऊपर भी गए थे झिलमिल, लोगों से व्यवहार करने में बहुत ही वो एकदम से परफेक्ट है, अच्छा है, ये गुण है। मंदिर परिसर मर्यादित व्यवस्था बनकर ही प्रवेश करें, बिल्कुल सही, आई सपोर्ट। ये सब दर्शन करके आ रहे हैं, हम जा रहे हैं। तो गाइस हम हैं ऋषिकेश और अभी जा रहे हैं नीलकंठ महादेव जीप से। क्या हो गया? अरे बीच वाले को अंदर दबाओ, किनारे वाले को खोलो। So guys, खासी लाइन लगी हुई है। तमाम मुरारी बापू की कथा वाले गुजराती सब आ चुके हैं, दूसरे श्रोता भी, इसलिए अच्छी खासी लंबी लाइन लगी हुई है। जस्ट वन आवर आफ्टर जीप राइडिंग वी रीच नीलकंठ एंड नाउ इन वी आर इन क्यू, सो इसमें भी 1 आवर टेक टाइम। सो हम लगे नीलकंठ महादेव के लिए लाइन में ऋषिकेश के पास, पहाड़ी पे बहुत ही सुप्रसिद्ध स्थान है नीलकंठ महादेव का, और शायद आधे पौन घंटे में हमको दर्शन हो जाएंगे। ये गुजरात के लोग हैं, सौराष्ट्र को लगभग 25 मिनट आधा घंटा हो गया लाइन में, अभी 15 मिनट और लगेंगे। मंदिर में जल फूल बेलपत्र ही चढ़ेंगे, ये सही है। तो लगभग 40 मिनट की लाइन के बाद हम बिल्कुल मंदिर परिसर में आ चुके हैं, और अब 5-7 मिनट में हम हो जाएंगे दर्शन नीलकंठ महादेव। बस हमको दर्शन होने ही वाले हैं। चलेगा
मंदिर से बाहर चढ़ेंगे। महादेव के दर्शन हो चुके हमको, नीलकंठ महादेव के दर्शन हो चुके हैं। तो बाबा के दर्शन हो चुके हैं, नीलकंठ महादेव के बहुत शानदार दर्शन हुए और आप लोगों को भी हो गए होंगे। सो गाइस, दर्शन हो चुके हैं नीलकंठ महादेव के और ये इनका मंदिर है। अंदर वो अलाउ नहीं रहता इसलिए पूरा नहीं हम ले पाएंगे अंदर का। और यहीं हम खड़े हुए थे, कनकलता के फ़ोटो क्लिक किए थे बहुत सारे हमने यहाँ पे, वो सब उसने चोरी से डिलीट कर दिए मेरे मोबाइल से। खैर उससे क्या फ़र्क पड़ता, तो दर्शन था उसमें क्या। इस नीलकंठ महादेव का ये प्यारा प्यारा मंदिर है और हमारे बहुत शानदार दर्शन हो चुके हैं। और पिछले साल भी कनकलता के साथ आए थे तो यहीं हम खड़े हुए थे, बहुत देर तक बैठे थे और काफ़ी फ़ोटो वगैरह क्लिक किए थे मैंने। तो सबकी तरफ से, आप सबकी तरफ से मैंने दर्शन कर लिए हैं, बहुत शानदार प्यारे दर्शन हुए हैं। और अब मैं वो सिद्ध बली है ऊपर, वहाँ कलावा बंधवाने जाऊँगा। हर हर महादेव। फिर काफ़ी थी, गुजराती लोग काफ़ी हैं कथा वाले, मतलब अच्छा इला। तो बहुत शानदार दर्शन हुए। मंदिर का इतिहास है, ओम श्री नीलकंठ महादेव की जय। श्रुति स्मृति पुराण के अनुसार देव दानवों द्वारा समुद्र मंथन में निकले 14 रत्नों में से एक कालकूट विष का विषपान भगवान शंकर द्वारा किया गया तथा जिसकी ज्वलनता को शांत करने लिए भगवान शंकर ने पंकजा और मधुमती नदी के संगम समीप पंचमणि नामक वृक्ष के नीचे समाधिस्थ होकर 60,000 वर्षों तक तप किया तथा कैलाश लौटने से पूर्व भगवान शिव द्वारा कंठ के रूप में जन कल्याणार्थ शिवलिंग स्थापित किया गया। वर्तमान समय मंदिर में उपस्थित लिंग शिवजी द्वारा स्थापित किया गया स्वयं भूलिंग है, इसलिए इसका बहुत महत्व है दोस्तों। धुना है ये, लो लगा दो। इधर आगे भी झिलमिल गुफा वगैरह बहुत से स्थान हैं, पहले हम गए थे लेकिन अभी नहीं जाएंगे। सो फाइनली मंदिर के काफी करीब आ चुके हैं। ज़्यादा चढ़ाई नहीं है नीलकंठ मंदिर से सिद्धबली के मंदिर की, लेकिन थोड़ी खड़ी सीढ़ियाँ हैं, थकान आ जाती है। अभी भी है खड़ी खड़ी सीढ़ियाँ, कोशिश करते हैं एक बार में पहुँच जाए। हर हर महादेव। सीढ़ियाँ कितनी ऊँची ऊँची है। आपने इधर की तीन सीढ़ी के बराबर एक सीढ़ी। अयो रामा। तो देवी का मंदिर है भुवनेश्वरी मंदिर, यहाँ से 150 किलोमीटर, झिलमिल गुफा 3 किलोमीटर और नरसिंह भगवान का मंदिर 1 किलोमीटर। इधर से रास्ता जाता है। कनकलता के साथ बड़ा प्यारा सफर हुआ था यहाँ का। तो बहुत शानदार दर्शन हो गए हमारे। जय हो सिद्ध बलि महाराज। अतुलित बल धामम हेम शैलाभ देहम धनुजन कृशानुम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम अधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमः।
देखो राजस्थानी जा रहे हैं श्रद्धा भक्ति के साथ, हमारे दर्शन हो चुके हैं और हमने उनके भी कर लिए सिद्ध बलि के। ये सब निश्चित रूप से राजस्थानी होंगे, मैं 100% कह सकता हूँ। और अब गाड़ी की तरफ जा रहे हैं हम, और ये अंतिम मार्केट के दर्शन कर लीजिए आप। ये हमारी खड़ी सोनी सोनी प्यारी प्यारी गड्डी, और हम फिर आगे ही बैठेंगे। हाँ, जे रीते बैठा था वे रीते बैठ जाओ। तो गाइस प्यारे प्यारे दर्शन के बाद फिर से हमारी गाड़ी चल चुकी है। लगभग 1.25 घंटे में मंदिर और सिद्ध बलि दोनों हमने दर्शन कर दिए। विधिवत लाइन में लगे थे, लाइन में ही 45 मिनट से ज़्यादा हमको लग गया। दर्शन के पश्चात हम निकलते हुए नीलकंठ क्षेत्र से, सब लोग बड़े खुश हैं, दर्शन हो चुके हैं, महादेव के धाम अद्भुत हैं। शिव के धामों में अवश्य जाना चाहिए, थोड़े तपस्या रहती है, शिव तपस्या से प्रसन्न होते हैं, लेकिन आशुतोष फिर बहुत जल्दी खुश भी होते हैं, प्रसन्न होते हैं और भक्तों पे कृपा करते हैं। और ये लोग दर्शन करने जा रहे हैं, दर्शन करके आ रहे हैं, हम भी दर्शन कर चुके हैं, जा रहे हैं नीचे। और मोड़ से एक बार फिर प्रणाम करते हैं, हर हर महादेव। बड़ी शानदार रही हमारी नीलकंठ की यात्रा, गाड़ी शानदार मिली, तुरंत पहुंच गए। और पिछली बार तो वो जो गाड़ी से आए थे काफ़ी दूर खड़ा किया था हमको, 1 किलोमीटर लगभग चलना पड़ा था। हम बिल्कुल मंदिर के पास इन्होंने खड़ी की, हालांकि लाइन थी लंबी, 1.25 घंटे से ज़्यादा हमको लाइन में लगा, उसका सिद्ध बलि गए, लेकिन कुल मिला के शानदार दर्शन हो गए हैं। तो इस वीडियो को यहीं करते एंड। सब लोग सपोर्ट करें, खुश रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, हर हर महादेव। के पश्चात फिर ऋषिकेश जा रहे हैं हम, खूबसूरत घुमावदार पहाड़ी रास्तों से होते हुए।